क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी टॉपिक फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा मींस अपना के कार्य। अपना क्या है थोड़ा पहले इसको देंगे आगे चलेंगे। अपना मींस नाल जो टॉपिक चल रहा है ये नहीं है। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ के पेट में माँ से जुड़ा हुआ सुगंध है उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं या नाल कहते हैं या अपरा कहते हैं। बाकी भाषा में से अपरा कहा जाता है। तो अपरा क्या कार्य करता है और कैसे ये बच्चे को पोषण देता है क्या करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक शारीरिक पोषण। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो टॉप अपरा का वो पोषण है। पोषण मीन्स बच्चे को जो भोजन देगा वो भोजन नाल के द्वारा प्राप्त होगा और नाल के द्वारा प्राप्त होने पर उसका मां से बना हुआ खाना बच्चे तक जाना और बच्चे को मां के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषण प्राप्त होते हैं मिलते हैं और बच्चे की खाने की जो क्षमता होती है इच्छा होती है भूख होती है वो इस प्लेसेंटा के द्वारा। दूसरा श्वसन। मां के शरीर में जब बच्चा सांस लेता है सांस के समय बच्चा मां के गर्भ होता है मां नाक से सांस लेती है लेकिन बच्चा कैसे सांस लेता है बच्चे को सांस के लिए ही अपराधी कार्य करता है या प्लेसेंटा भी कार्य करता है। यदि प्लेसेंटा ना हो तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा और ये O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है ये नहीं हो पाएगा। तो अपना O2 और CO2 के लिए भी मान्य है। थर्ड उत्सर्जन। बच्चे ने खाया खाने के बाद बच्चा नेगेटिवली अपशिष्ट का क्या करता है रिलीज करता है अंदर प्रोटीन भी करेगा और यूरिन भी करेगा। उस प्रकार को हम नेगेटिवली अपशिष्ट का कहते हैं। उसको कराने के लिए कौन सहायक है तो कराने के लिए सहायक अपराधी है इस टोटल बात का लेकर गया वो प्रजन और इस बात को लेकर नेगेटिवली अपशिष्ट का। अगला पदार्थों का संचय अवस्था बताएंगे। कुछ पदार्थ बॉडी के अंदर जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर क्या होते हैं हम लोग खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है और एनर्जी जमा होती है। वो एनर्जी तब काम आती है जब हम भूखे रहते हैं। ऐसे ही बच्चे के शरीर में खाना जो मां से आता है मां से आने के बाद कुछ खाना बच्चा संचय कर लेता है अपने आप में क्या करता है उसको संचय कर लेता है। वो क्या है वसा है ग्लाइकोजन है वह कब काम आती है जब मां भूखी होती है और बच्चे को भोजन नहीं मिल पाता उस समय वसा और ग्लाइकोजन ही बच्चे को क्या करते हैं भोजन प्रदान करते हैं। अगला हार्मोन का स्राव। हार्मोन का स्राव मतलब क्या है बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन होते हैं जैसे रिलैक्सिन है एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरॉन है बनते तो मां के शरीर में लेकिन मां के शरीर में बनने के बाद उसको भाग को अंतःस्रावी के द्वारा जैसे कार्य होते हैं ऐसा कार्य करेगा अपना करेगा प्लेसेंटा करेगा। रिलैक्सिन आप देखते हैं जैसे रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो हार्मोन का काम होता है जब मां से बच्चा हो रहा हो उस समय गर्भाशय की पेशियां होती हैं उसको सिकुड़ने और उसको संकुचन करने के लिए हार्मोन का कार्य होता है। रोग प्रतिरोध क्षमता या एंटीबॉडीज आप देखते हैं मां के शरीर में
जैसे लोगों को चिंता होती है वैसे भी बच्चे के लिए जब माँ के शरीर में बच्चा होता है तो उस समय रोगों से लड़ने के लिए अपना क्या करता है एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। क्यों भाई बच्चा माँ के पेट में है और बच्चा माँ के पेट में रहेगा उस समय उसकी रक्षा कौन करेगा, वो क्या करता है एंटीबॉडीज अपने शरीर के बनाने के लिए ये अपना कार्य करता है। तो ये क्या थे, इसके कार्य थे पोषण है,